बिहार के सारण जिले में एनजीटी के सख्त आदेश के बाद से खनन माफिया खनन का कारोबार बंद है। इसके बावजूद छपरा में इन दिनों बालू माफिया सक्रिय हैं। लगातार लाल बालू का खनन कर सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। बालू माफियाओं के इसी वर्चस्व को तोड़ने के लिए शनिवार को जिला अधिकारी राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में सदर प्रखंड के रायपुर बिंदगावा में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। संयुक्त छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध खनन के काम में लगे 49 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 लोडर मशीन और 11 ट्रक समेत 6 बाइक जब्त भी किए गए। वहीं इस छापेमारी अभियान की जानकारी देते हुए सारण के जिला अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि जिले में लाल बालू के अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। सरकार के आदेशानुसार अवैध खनन भंडारण पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। आज की जो सर ये कार्रवाई हुई है, ये किस तरह की कार्रवाई है? आज अवैध माइनिंग को लेकर यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जो छपरा आरा ब्रिज है इसके पास का इलाका है, इसके बगल में यहाँ से बालू का मूवमेंट, अवैध मूवमेंट अभी भी जारी है। तो सूचना के आधार पर इसको हम लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई किया है, और इसमें जैसा आप देख रहे हैं प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें बालू को सीज भी किया जा रहा है, नष्ट भी किया जा रहा है, और जो यहाँ पर व्हीकल्स हम लोग को मिले हैं उनको जब्त भी किया जा रहा है। इसकी डिटेल्स आप लोगों को अलग से पता चला जाए। ये सर, जब ये जो खनन जो हो रही है, यहाँ जो भंडारण हो रही है, यहाँ तो आपने यहाँ जो नाव से भी नहीं भंडारण खनन हो रही है, नहीं फिर किस तरह की यह खनन हो करके यहाँ आखिर यहाँ की भंडारण किस तरह की हो रही है सर? भंडारण का जो स्रोत है, कहाँ से आ रहा है, इसका अलग से इंस्पेक्शन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी हमें सूचना मिला था कि यहाँ पर भंडारण किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन आधार पर यहाँ पर आए हैं और आज ये कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बीते 27 मई से लाल बालू के खनन पर 3 महीने तक के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद सरकारी स्तर पर लाल बालू की बिक्री रोक दी गई है। मगर इसके बावजूद भी सारण और भोजपुर जिले में जगह जगह लाल बालू का अवैध भंडारण किया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर सारण जिले के DM और SP के अलावा भोजपुर के DM समेत तमाम आला अधिकारी और पुलिस बल के साथ आरा छपरा पुल के नीचे दियारा क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान लाल बालू के अवैध कारोबार को बंद करने के लिए जिला प्रशासन ने न सिर्फ बालू को जब्त किया बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। बहरहाल जिला प्रशासन अब ये पता लगाने में जुटा है कि लाल बालू का भंडारण कहां से हो रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।